कि हमसे बोलवा लेना नहीं है। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस लैंग्वेज में तुम मुझसे बात करोगी उसी लैंग्वेज में मैं तुमको जवाब दूंगी। इधर ईट तुम ईट बजाओ, मैं पत्थर बजाओ। ध्यान देना तुम। तो दोस्तों जेल चल गए हैं, ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं। सबसे पहला खबर यानी अपडेट यानी आरती न्यूज पर जा रहा है यानी गोरखपुरिया भौजी का बयान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों के साथ मैं मनीष कुमार आरती लाइव। अभी देखिए हम लोग आए हुए हैं और भैया भी आए हुए हैं जो इनके कैमरामैन हैं, बहुत ही अच्छा शूटिंग करते हैं। और भैया हमारे बारे में कल हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, कल भी ये गए थे भैया, लेकिन भीड़ देख के बोले कि इन सब में क्या सब हु कर रहे थे, तो ये भी जबरदस्ती बाइट ले सकते थे। हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग घर आते हैं भौजी का, हम लोग मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे लग रहा बारात आया है, कुछ चार पांच लोग थे, सोचे कि इनका भी हत्या हो जाएगा। एकदम अगर रात्रि होता तो हत्या भी हो सकता है, एकदम हु कर रहे थे। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मेरे भी जान को खतरा है, आप लोग जान लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग मुझे मारने के लिए पटक रहा था। हम तो बोले कि भाई कैमरामैन के जाइए वहाँ बगल आइए। रिपोर्टर का मतलब है शांति से सवाल पूछ, अपना पक्ष ले लेना, लेकिन कार्ड उनके पास कोई कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तो बोल रहा है कि तुम होती कौन हो। मैं बोली तुम कौन होते हो, तो बोला मैं पत्रकार हूँ। मैं बोली मैं एक आम नागरिक हूँ, अगर तुम मेरा तुम कार्ड नहीं दिखा सकते तो मैं तुमको इंटरव्यू नहीं दूंगा। वहाँ इंटरव्यू देने तो नहीं गई थी, मैं वहाँ इंटरव्यू दोस्तों देने नहीं, लकड़ी देने गई थी। वहाँ पे मैं बुलाने से गई थी, लकड़ी भी देने नहीं गई थी। वहाँ पे बच्चे को लेके पिता मुझे बुलाए थे, बच्चे के दिलवाने वहाँ गई थी, और मैं वहाँ नहीं जाती तो शायद मालती चौहान का जो बेटा है वो वहाँ नहीं पाता। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है, जो गरज रहे हैं, भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं था कि मालती चौहान का बेटा ला करके दे सके। एक गोरखपुरिया भौजी रिंकू निषाद जा करके ये काम की है, जा करके कहीं भी सोशल मीडिया पर आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। बिहार से है, बात बताइए मालती के खिलाफ हमेशा आते जाते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये मालती के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मालती के खिलाफ महिला का सपोर्ट करने के लिए दूसरी महिला का दबाया जाना अच्छी बात आप है। एक यूट्यूबर है, वो भी यूट्यूबर थे। आप लोग पुराना रिश्ता है, तब लोग गई थी, यही क्या मतलब थी? थी? आप देखे थे कि नहीं उसकी वीडियो, 20 वीडियो मेरे नाम से बनाई थी, बुलाई थी, खुद बुलाई थी मुझसे। जो जिसको नहीं पता है मालती चौहान के चैनल पर अभी भी वीडियो है, जा करके देख लीजिए, वो खुद बुलाई थी। गोरखपुरिया भौजी क्यों नहीं मेरा मदद कर रही है, क्यों मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं मर जाऊंगी। रो के वीडियो बनाई है, किसने हेल्प किया जो आज महिला मंच की अध्यक्ष बन रही है। मैं पूछती हूँ तुम कहाँ थी उस समय, वो तो नहीं आई, वो तो अपने अध्यक्ष का हेल्प नहीं कर पाई। अभी एक वीडियो आया उनका, उनके एक अध्यक्ष का जो काम करती आशा देवी करके नाम है, उनको लोग गोली मार के उनके पति को मार देते हैं। उसके बाद उनकी वो लड़ते मतलब कई दिनों से गुहार करती, अभी उनका खर्चा चलाने के लिए चैनल भी बेच देती है और अपना रोजी रोटी के लिए भटक रही है, इधर उधर भटक रही है। जो काम कर जो अध्यक्ष है, खुद के अध्यक्ष खुद की अपने टीम की महिला का मदद नहीं कर सकती, दूसरी महिला। देखिए यहाँ नेता दबाना चाहती है, मैं जानती हूँ, दुनिया भी जानती है कि आप हमको दबाना चाहती है, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी आप मुझे अरेस्ट कराओ, उसके साथ साथ तुम भी जाओगी जेल, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ भी मेरे पास काले चिट्ठे भरे पड़े हैं मेरे मोबाइल में, आकर मेरे से पूछना, हर सवाल का जवाब देंगे। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करती हूँ कि तुम आओ मेरे से मिलो, अगर हिम्मत है तो तुम एक महिला का मदद करती हो, तो अगर तुम एक महिला 5 लाख 6 लाख 4 लाख महीने का कमाते हैं, मदद करती ना तो दूसरी महिला का जबान तुम बंद नहीं करवाती। हाँ। तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि तुम मेरा चैनल बंद करवाओगी, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नेता बनने आई है, तुम कितना चैनल बंद करवाओगी, इनका भी चैनल बंद करवाओ, मैंने यहाँ पे चिल्ला चिल्ला इनका भी चैनल है, तुम फोन करके बुलाती होगी, मैं फोन करके नहीं बुलाती हूँ, मेरे पास मीडिया का वैसे ही लाइन लगा रहा, तुम बोल रही हो ना मीडिया वाले पागल है जो उसके पीछे मैक लेके घूम रहे हैं, मीडिया वाले पागल नहीं है, मीडिया वाले जानते हैं कि गोरखपुरिया भौजी के नाम से टीआरपी बहुत अच्छे से मिलता है, गोरखपुरिया भौजी का काफी है, नमो में ब्रांड है, शेरनी है तो है, इसको एक्सेप्ट कर लो। तुम एक महिला का आवाज नहीं दबा सकती, मालती चौहान यहाँ पर मरी है, और जिस दिन गोरखपुरिया भौजी मरेगी उस दिन गोरखपुर में क्या पूरी इंडिया में पूरी बिल्कुल हंगामा हो प्रदेश में हंगामा हो जाएगा, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी डरने वाली नहीं है, दहाड़ने वाली है, पैसा लेके मदद नहीं करते, पैसा लेके मदद नहीं करते, पैसा लेके मदद करते ना तो आज मेरा भी बिल्डिंग चमक जाता, 5 से 6 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, लेकिन आज तक मेरा घर नहीं बना है, क्यों नहीं बना है दिखाइए, आप मेरा पूरा घर दिखाइए, ये घर देखिए, इसी का ट्रेन में रहती है,
यही कटरैन में रहती है। घर देखेंगे शर्म आता है किसी को घर पे बुलाने से। ये कटरैन है, नीचे भी कटरैन है, यहाँ पे देखिए कटरैन ही है, यहाँ पे सब कटरैन भी है, सारा कटरैन ही है, सब कटरैन है, सब कटरैन है। देखो कर नहीं तो डर किस बात का, हमको डर नहीं है। आए पुलिस, आए प्रशासन, आए अंतरी, आए मन, तुमको नेता बनना होगा। हम नेता नहीं है और ना ही नेता बनने का कभी कोशिश करेंगे, क्योंकि नेता लोग वही होते हैं जहाँ वोट मिलता है वहाँ बात होता है, जहाँ वोट नहीं मिलता वहाँ। जब तक आपको वोट लेना रहता है तब तक आप जाते हैं, भैया वोट दिया, बहनी वोट दिया, उसके बाद सब भुला जाते हैं। यहाँ नेता नहीं बनना है, यहाँ एक यूट्यूबर ही है वही रहेंगे, और दाल भात रोटी चोखा का वीडियो बनाते हैं, लिट्टी चोखा का वीडियो बनाते हैं, उसी में फेमस है। ये बिहार से आए हुए हैं, देखिए बिहार से आए हैं, न्यूज़ वाले फेमस हैं। लेकिन ये कितना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, इनसे सभी लोग खुश, इनका आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा। अच्छा एक चीज बताइए भैया, मालती के खिलाफ गलत हुआ है वहाँ पे, अगर इन लोगों को भोजपुरी बोलने को कहा जाए ना तभी नानी माँ याद आ जाएगी, लेकिन भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश जो भी बोलवाना चाहती हूँ हमसे बोलवा लेना। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस लैंग्वेज में तुम मुझसे बात करोगी उसी लैंग्वेज में मैं तुमको जवाब दूंगी। इधर ईट, तुम ईट बजाओ, मैं पत्थर बजाओ, हेल्प नहीं करने कोई आया है। नेता बनने आ रही है, इंटरव्यू देती है मीडिया गाड़ी में बैठ के, एसी में, एसी वाली गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू देती है ऑनलाइन। एसी वाली गाड़ी हमारे पास भी है, चाहते तो एसी वाला रूम भी बनवा लेते, लेकिन नहीं बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसा हम जनता से कमाते हैं और पब्लिक के बीच में आधा पैसा हक है जाने का, और मैं करती हूँ, तुमसे पूछ के करूंगी। तुम होती कौन हो, तुमको जवाब दूंगी।